दुश्मन आजमाना चाहता है तो वो हमें हर लम्हा तैयार पाएगा। कश्मीर बारे भारत के 5 अगस्त के इकदाम रद्द करते हैं। कौम आज यौम फिजाइया मिली जोशो जज्बे से मना रही है। पाक फिजाइया के जांबाजों की कुर्बानियां फिजाइया की तारीख में नाकाबिले फरामोश हैं। और चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब सीसीपीओ और डीजीएलडीए समेत 10 मुख्तलिफ अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत लाहौर हाईकोर्ट में आज होगी। एक्सप्रेसो एक ब्रेक के बाद आए हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद जिस चीज के साथ और जिस एयरक्राफ्ट के साथ हम आए हैं उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, दिस इज नन अदर देन प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 2, द लेटेस्ट ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट जो कि एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ है। और इससे ज्यादा प्राइड की बात और क्या हो सकती है। यह है वो तैयारा जो सबसे ज्यादा दुश्मन की आंखों के अंदर अटकता है, यह है वो तैयारा जिसके बारे में दुश्मन सबसे ज्यादा बात करता है, और यह है वो तैयारा जो कि सबसे ज्यादा उनकी खबरों की जीनत बनता है। सो दिस इज Amazing, the super JF-17 Thunder, और पाकिस्तान proudly ये कह सकता है कि पाकिस्तान इस तैयारी का major part न सिर्फ manufacture कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त मुल्क चीन के साथ, अपने iron brother चीन के साथ मिलकर इस तैयारी की production भी कर रहा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स उन एयरफोर्सेस में से है जो कि खुद से तैयारों को manufacture कर रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में और ये बाकी एयरक्राफ्ट से किस तरह से बेहतर है, इस पर हम बात करने वाले हैं। खूबसूरत बात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर बाबर, उनको हम वेलकम भी करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने देखा ये फ्लाई करने गए थे इस एयरक्राफ्ट को, हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा रिलैक्स हों फिर हम इनसे बात करें, क्योंकि हम इस ब्यूटी को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? Thank you very much. I am fine. I hope you are fine as well. Good. Alhamdulillah. So how was your flight on this beautiful weather, with this beautiful weather on a pleasant weather day? It was amazing. As it is said in Air Force that we are being paid to fly these machines. Even if we have to pay to fly them, even then it's a good deal. Wow. That's really great. After seeing this, obviously, I feel like it's a very good deal. So what about this beautiful, gorgeous looking, I must say, JF-17 Thunder, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि ये पाकिस्तान ने मिलकर चाइना के साथ कर क्या दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम उन एयरफोर्सेज के अंदर हैं जो कि दुनिया के जदीद तरीन तैयारे उड़ाने वाली एयरफोर्सेज हैं। आप कुछ हमें बताइए अबाउट दिस ब्लॉक 2 JF-17। दिस इज अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड नेशनल फ्रीडम, प्राइड फॉर द रीजन दैट वी आर मेकिंग इट आवरसेल्व्स, एंड नेशनल फ्रीडम फॉर 2 रीजंस, बिकॉज दिस एयरक्राफ्ट इज इंश्योरिंग नेशनल फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, एंड सेकेंडली वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री टू मैन्युफैक्चर दिस एयरक्राफ्ट। And I think that February incident was a blessing in disguise for us. Yes. To prove ourselves. Because if you can see that the aircraft was manufactured in 2015, and it got a chance to prove itself within 3 to 4 years. Wow. So, and it did come up to the expectations of people of Pakistan. And inshallah, it is going to come up to their expectations once again. Inshallah. अच्छा, अगर हम दीगर एयरक्राफ्ट को देखें, अभी चूंकि हम पहले मिराज को भी कवर करके आए, हमने देखा किस तरह से बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है, और इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं थोड़े से अगर आप हमें बता सके तो। I can say with confidence that this is as good as any 4th generation fighter aircraft in the world. Or this is block 2. When the block 3 comes, that is going to be a game changer for subcontinent, inshallah. But even if we consider block 2, this is a very good aircraft which is at par with any modern jet in the world, and it has proved itself. Agar Miraj se F-16 se F-7 se comparison ki baat kare, so I can say that every aircraft has its own role to play. Exactly. And which is a very important role. Miraj has its role which it played in February. True. Exactly. F-7 has its role, F-16 has its role. JF-17 has an advantage in one aspect. I can say that this is a true multi-role platform of Pakistan Air Force, in a way that the aircraft is equally capable in air to ground, air to air, air to sea combat. Wow. So that is one all three major facets of fighter flying. The aircraft is exceptional. Hamara dushman hame squad leader Babar dhamkiyan deta hai, aur unke buzra gidar dhapkiyan Rafael ki hame sunate hain. They have Rafales now. एंड वो अभी बताते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, नाउ वी कैन यू नो हम इनकाउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को, दो कि वी हैव ऑलवेज प्रूवन। लेकिन ये जो राफेल फेनोमेना है, मैं चाहता हूँ इस पर जरा आप कॉमेंट करें, बींग एन ऑफिसर आप उसको, और सिंस वी आर स्टैंडिंग राइट बिफोर JF-17। ज़्यादा आप उनकी धमकियों की बात करते हैं तो आई वुड से दैट दे कैन टॉक बट दे कैन नॉट वॉक द टॉक। सो बातें करना तो बहुत आसान है, एंड अगर फरवरी से पहले देखें द बिल्डअप वॉज वेरी इंटेंस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट इन द एंड व्हाट हैपेंड, it was a totally different story. So I can say that the training Pakistan Air Force provides us and the kind of equipment we have, so kisi ki dhamkiyon se hame ko farak nahi padega. We are trained to fight, and inshallah we'll fight well. So making fantastic tea is also part of your training.
Are you guys trying to make some good, fantastic tea? Last time we served to our enemies. Last time it was tea. This time in Challenge is going to be a full buffet. Wow. So we are trained for that. We are hoping for that. So by this eye of this camera, we can say that if you are really interested to have a complete buffet. If you are hungry, then come. Yeah. Welcome you. Babar, it's really great to have you. In the end, you take this aircraft and take Pakistani corn. Since it's an Air Force day, it's your day, it's our day. We own it. And our Air Force has always kept this pride. What do you want to say to the nation? I can say that the nation can have full confidence in Pak Fazaiya. History is with us. PF has a glorious history. If you consider 1948, 1965 war, people like M.M. Alam, Sarfraz Rafiqi, yes. Then 1971 war. I can say here that the squadron I'm part of, number 14 multi-role squadron, this was the last standing fighting unit in Pakistan Air Force in Dhaka. And it fought. Nation can sleep well, PF is awake. Is awake. Thank you. Isse pehle M.M. Alam aur Sarfraz Rafiqi ka apne zikr kiya. Now we have people like you, like Hasan Siddiqui sahab, like Noman, and lots of, you know, sare humare jo son of soil hai. Thank you so much for being with us. Thank you for being with us. Thank you so much. So this was all about you. This is all about JF-17 Thunder, the amazing Thunder, jo ki humne aapko dikhaya. आपको टीवी पे देख के कुछ भी नहीं लग रहा, आप यहाँ खड़े हो, इसकी फील लें, आपको मजा आएगा. मजा आएगा एंड यू विल रियली फील प्राउड. और जैसे कि स्क्वाड्रन बाबर ने कहा कि ये प्राइड है कॉम का, और इसमें कॉम का सर फखर से बुलंद हो जाता है जब हम इसकी बात करते हैं. इसने कॉम को एक हौसला दिया है, एक अज़्म दिया है और एक नई राह दिखाई है. इंशाल्लाह कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में. शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. आज भी महंगाई, हर शख्स परेशान है, पूरा मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है. मीशत खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 2.25 करोड़ लोग गुरबत की सतह से नीचे चले गए, लेकिन किसी को यहाँ परवाह नहीं है. चेयरमैन नैब साहब की अपॉइंटमेंट आपने आपके मशवरे से ही हुई थी, आपको उस वक्त इसके बारे में क्या राय थी, आपको क्या बताया गया था? हमने तो सीबी देखा था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे. जिस जज को कानून का ना पता हो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ. बुनियादी कानून है मुल्क के अंदर, जरा उनको पढ़ लें. और ये जो केस बने हुए हैं, जितने नैब के केस हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ कि नैब की अदालतों में कैमरे लगाए, लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये तमाशा है क्या. नैब की तफ्तीश पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं. ये जो अब कतर के वायदे को एक दफ़ा फिर, ये आज से 3 साल पहले भी उन्होंने खोला था, 1.5 साल तफ्तीश होती रही, अब फिर खोल रहे हैं. तो वो जरा लोगों को बताएं ना, क्या चार्जेस हैं, ये लोगों को बुलाया है, क्यों बुलाया है. ये इस मामले की हकीकत बड़ी वाजे है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कि नैब का वाहिद मकसद मुल्क में सियासत को असरअंदाज पर असरअंदाज होना है, सियासतदानों को तोड़ना है और उनकी वफादारियाँ बदलने की कोशिश है, उनको दबाने की कोशिश है. ये वाहिद मकसद है नैब का, लेकिन इसने आज मुल्क को मफलूज कर दिया है. देखिए, हर चीज बदनीयती पर मबनी है ना. इससे पहले भी नैब के चेयरमैन लगते रहे, 20 साल से लग रहे हैं. आज क्या जरूरत पेश आई है एक्सटेंशन की? ये कानून के खिलाफ है, ये कानून की स्पिरिट के खिलाफ है, ये मुल्क के आईन के खिलाफ है. जब आप बदनीयती पर मबनी शख्सी फायदे हासिल करने के लिए कानून बनाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी. अभी आपके सामने 18,000 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए. ये रियासत मदीना है, जो लोग 20-20 साल से बसरे